ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं जिसकी मदद से आप किसी शादी या वेडिंग पार्टी में जा रहे हैं, तो इसके लिए आप तैयार हो सकते हैं इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। तो स्टेप वन है हमारी मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र अपने चीक पे, अपने चिन पे और अपने फॉरहेड पे। तो इन जगहों पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद में फाउंडेशन अप्लाई करने वाला एक मेकअप ब्रश है, उसकी मदद से अपने फुल फेस पे अपने मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड कर लेंगे। सो इस ब्रश की हेल्प से मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। हैंड से ब्लेंड करने में उस पर स्पॉट्स रह जाते हैं, और ब्रश से अगर आप अच्छे से ब्लेंड करें, ब्रश से आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। सो अभी ब्लेंड करने के बाद अगला स्टेप आता है, हमारा मेकअप के प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाउंडेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने लिया है एक लिक्विड फाउंडेशन। आप लिक्विड फाउंडेशन लेके आपको अपने फेस पे डॉटेड फॉर्म में लगाना है। आपको अपने फुल फेस को डॉटेड फॉर्म से ही कवर करना है, और फुल फेस पे जब फाउंडेशन लग जाए तो उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले फाउंडेशन अप्लाई कर लें, या तो आप उंगली से अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिस भी आपकी फाउंडेशन की जो बॉटल है उसकी हेल्प से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बॉटल से ही डायरेक्टली अप्लाई कर लिया है। सो क्योंकि इसमें एक ब्रश आता है जिसकी हेल्प से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। डैब डैब फॉर्म में करने वाले हैं हम लोग, इसको स्ट्रेच करके नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ये एकदम इवनली स्प्रेड हो जाता है आपके कंप्लीट फेस के ऊपर। तो अभी हम लोगों ने अच्छे से एक साइड इतनी जल्दी इससे ब्लेंड हो गई है, दूसरी साइड को भी सेम ऐसे ही करना है। आपकी नोज़ पे अंडर आइज़ को भी अच्छे से कवर कर लेना है। सो और हाँ, अपने नीचे जॉ लाइन पे भी अच्छे से इसको अप्लाई करके अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेना है। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारी कंसीलर। सो अप्लाई करेंगे कंसीलर अपने अपर लिप्स की एज पे। अपर लिप्स की एज पे हम कंसीलर इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उस पर डार्क स्पॉट्स होते हैं, और अंडर आइज़ में एकदम स्टार्ट में और एकदम एंड में करेंगे। दोनों ही आइज़ पे हम ऐसे ही सेम तरीके से करने वाले हैं। इससे आपके अंडर आइज़ में मीन्स डार्क स्पॉट्स नहीं आएंगे। आईब्रो के जो नीचे वाला पार्ट है एकदम उस पर अप्लाई करेंगे, सेम दोनों में करेंगे। और इसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। सो ब्यूटी ब्लेंडर से इसको आराम से ब्लेंड हो जाता है। ब्रश से अगर आप इसे ब्लेंड करेंगे तो ब्रश के ब्रशल्स आपकी आंखों में जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए आप ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करें। चाहें तो अगर आप चाहें तो आप ब्रश का अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आँख के ऊपर भी हल्का हल्का कंसीलर अप्लाई कर लेंगे, इससे आँख के ऊपर जो डार्कनेस है वो भी कम हो जाती है। अब हम अपर लिप पे भी करेंगे, और जो लिप के कॉर्नर्स हैं उन पे भी अप्लाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके ब्लेंड करते जाएंगे। दूसरी साइड में भी सेम तरीके से इस पर कंसील करना है। तो दूसरी साइड पे भी हमने जो ब्लेंडर की एज है उसको कंसीलर में हल्का सा लगा के, और उसके बाद अपने लिप की एज पे, अंडर आइज़ पे, अपर आइज़ पे जब नहीं लगा है तो आप इस पर इसकी हेल्प से लगा सकते हैं। सो अभी हम ब्लेंडिंग कर चुके हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद ये एकदम अलग ही लुक आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और इसको हल्का हल्का, जो आपका बच जाए आपका कंसीलर अगर आप ऐसे निकाल के यूज़ करते हैं तो आप उसको आइज़ के ऊपर या जहाँ पर भी आपको अपने फुल फेस पे डार्क स्पॉट्स मिल रहे हों वहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। सो इसको ब्लेंड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम। 2000 years later. तो गाइस अब चालू करेंगे हम मेकअप की ओर। सो अभी हमने लिया है एक अच्छा सा ब्रश, जो ब्लेंडिंग ब्रश भी है, ब्लश ब्रश भी है, सब ब्रश है ऑल इन वन टाइप। और इसकी हेल्प से हम अपने फुल फेस पे जो हमारा कंसीलर है और फाउंडेशन है उसको फेस पाउडर या लूज पाउडर, आप दोनों में से किसी की भी हेल्प से सेट करेंगे। तो इसको हल्के हल्के से अप्लाई करके इसको अच्छे से सेट करेंगे। एंड देन अभी हम सेट करके मिलते हैं। गाइस हमारा ये फेस पाउडर से हमने इस फुल फेस को सेट कर लिया है। अभी हमने ये वाला एकदम फ्लैट ब्रश लेना है, इसमें हमने एक थोड़ा सा ब्राउन्जर अप्लाई करना है, और अपने ये चीक बोन पे धीरे धीरे एक लाइन बनानी है।
ऐसे ही हमें दोनों साइड में ऐसे चीक बोन पर लाइन बनानी है। और फिर बात आती है जॉ लाइन की, तो जॉ लाइन पे भी हमें दोनों साइड ऐसे ही लाइन बनानी है। तो इसके बाद हम अपने नोज़ के ऊपर ऐसे एक लाइन इस लेफ्ट साइड में, एक लाइन राइट साइड में, और बीच में हम इसमें लगा देंगे थोड़ा सा फेस पाउडर। और ये आप अपनी स्किन टोन से मैचिंग फेस पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है इसको ब्लेंड करना। इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने एक और ब्रश ब्रश लिया है जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके ब्रशेस भी काफ़ी सिल्की हैं जिससे आपके फेस पे मीन्स लाइक आपको चुभेगा नहीं। और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जिससे आपका फुल फेस ब्रॉन्जर से एकदम अच्छा लुक आ जाएगा, एकदम एजेस आ जाती हैं आपके फेस की, जो रॉ एजेस होती हैं वो शार्प हो जाती हैं। सो मैंने नोज़ के साथ ही साथ आपको अपनी जॉ लाइन भी ब्लेंड कर लेनी है। अभी मैं ले रही हूँ ये जो रेड रेड वाला ब्लश का शेड है ये, इसको हम डस्ट करके एंड देन हम इसको अपने चीक्स पे अप्लाई करेंगे। और इसके बाद हम दूसरे चीक पर भी ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद ये हल्का हल्का आपके चीक्स रेड हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग लेने वाले हैं ये मरून शेड आई शेडो वो पैलेट में से, मीन्स अब वर्क होता है आई के ऊपर आई मेकअप करने का। तो इसके लिए अभी हम लोग फुल आई के ऊपर हमारे इस ब्रश की हेल्प से आई शेडो अप्लाई करेंगे एंड देन दोनों आईज पकड़ के मिलते हैं। सो गाइस दोनों आईज पे हमने मरून आई शेडो लगा लिया है। और ये अभी हमने ना ये जो रेड कलर का शेड है ना ब्लश का, ये हल्का हल्का हमने अप्लाई करना है जिससे आपका अगर रेडनेस अगर कम आ रही है तो और भी अच्छे से आ जाती है। एंड देन अभी हमको लेंगे ये मैरून शेड को दोबारा से लेना है और यहाँ आई के ऊपर हल्का हल्का जो आई जस्ट आई के ऊपर ही लगाना है, आई के ऊपर आईब्रो के नीचे वाले पार्ट पे नहीं लगाना है। सो नेक्स्ट अभी हम लेंगे यही वाला ब्राउन मैरून शेड। इस मैरून शेड को बस आई के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम लेंगे एक ब्राउन शेड, इस ब्राउन शेड को हम अपनी आई की कॉर्नर्स पे अप्लाई कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे जिससे आपकी आई का एक शेप बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ आई शेडो। अब हम अपने आईलैश कलर के ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और इस फाउंडेशन को हम अपनी आई के ऊपर लगा लेंगे जिससे एक हमें लाइन मिल जाएगी। तो बस लाइन तो मिली है बट उतनी क्लियर नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम इसको फाउंडेशन की हेल्प से या कंसीलर की हेल्प से फिल कर लेंगे। और फिर इसको अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको नीड लग रही है सेट करने की तो इसे सेट कर लेंगे। तो अभी हम अपने आई के इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। मैंने दोनों आईज को हाईलाइट कर लिया है और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब मैं अपने फैन ब्रश हाइलाइटर फैन ब्रश की हेल्प से अपने चीक्स को भी हाईलाइट करूँगी। ऐसे ही मैं अपने दूसरे वाले चीक पर भी हाइलाइटर फैन ब्रश की हेल्प से हाईलाइट करूँगी। और अब दोनों चीक्स जब हाईलाइट हो जाए तो आईब्रो के जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर हमने कंसील किया था उसी जगह पर हमको हल्का हल्का हाईलाइटर अप्लाई करना है, क्योंकि उस जगह पर अगर ज़्यादा हाईलाइट। अब हम अपनी आईज में काजल लगाएंगे, इससे आईज का एक डिफरेंट ही लुक हो जाता है। और अभी मैंने दोनों ही आईज में काजल अप्लाई कर दिया है। काजल अप्लाई करने के बाद मैंने लगा ली है अपनी लिपस्टिक। सो गाइस मेकअप लुक तो बस इतना ही, नेक्स्ट है कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनने का। सो मेरे पास है मेरी कुछ ज्वेलरी जो है थोड़ी सी रॉयल ग्रीन टाइप की। और इसके बाद मैं इस ज्वेलरी को ओपन करूँगी और फिर ज्वेलरी अब पहनूँगी, क्योंकि खाली गला अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो लुक है ये हमारे लहंगे के ऊपर है। सो इसीलिए अभी हम लोगों ने ये अपने ज्वेलरी का सेट निकालना है। और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने नेकलेस है और दो इयररिंग्स हैं और ये काफ़ी हैवी सेट है। अब मैंने इसको निकाला, इसका हुक को ओपन किया और फिर अब मैं इसको पहन लेती हूँ। सो ये मैंने पहन लिया है, ये अच्छा भी लग रहा है। अब मैंने इयररिंग्स पहने
दोनों ही कानों में मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं। इसके इयररिंग्स थोड़े नीचे वाला जो पार्ट है उनका रेक्टेंगल शेप का है, जो अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा सा अलग टाइप के डिज़ाइन है इसका। सो ये हो चुका है, बट हेयर्स अभी तक हमने किए नहीं है। तो मैंने अपने बालों में से अपना हेयरबैंड निकाला और इसके बाद अपना जूड़े को ओपन किया है, और इसके बाद मैंने अपनी रबर बैंड निकाली है और बस इसको ओपन कर दिया है। और मैं ओपन हेयर्स ही रखने वाली हूँ, और मेरे हेयर्स थोड़े से वेवी टाइप के हैं जो अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने अब इन्हें डिटेंगल कर लिया है अच्छे तरीके से। तो ये हो गया मेरे हेयर्स डिटेंगल, और ये है मेरा लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंडिंग तक देख के ज़रूर जाएँ।